दोस्तों, सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार है। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आजकल न्यू यूट्यूबर्स काफ़ी चालाक है और इसलिए खुद की चैनल नहीं ग्रो कर पाता है। जी हां दोस्तों, मैं 100% आपको कहता हूं कि आप भी शायद इसी तरह काम करते होंगे, इसलिए मेरी वीडियो पर आपने क्लिक किया है। दोस्तों, जो लोग मेरी वीडियो पर क्लिक करेंगे, मुझे ये लगता है कि आप लोग ये गलतियाँ करते हैं और इसलिए मेरी थंबनेल देखकर आपने क्लिक किया है। सबसे पहले तो दोस्तों, मैं ये आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तों, अगर आज की डेट में आपकी चैनल ग्रो करना चाहते हो और आप YouTube से सच में पैसा कमाना चाहते हो, तो दोस्तों भाई सच तरीके से आपको काम करना होगा, तब जाके दोस्तों आपकी चैनल आप ग्रो कर पाएंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं कुछ पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं और जिस पॉइंट से आप लोग शायद आपके चैनल आप ग्रो कर पाएंगे। दोस्तों देखिए, एक नया चैनल ओपन करने के बाद काफ़ी नया यूट्यूबर्स यूट्यूब पर वीडियो देखने लगता है और उसके बाद दोस्तों खुद के चैनल पर काम करना शुरू करता है। सबसे पहले तो दोस्तों, मैं ये आपको कहता हूँ और साथ ही साथ दोस्तों मैं दावे के साथ आपको कहता हूँ कि दोस्तों, एक नया चैनल ओपन करने के बाद चैनल की कुछ सेटिंग्स होता है, ये सेटिंग्स आपको सबसे पहले करना है। और सेकंड जो पॉइंट है दोस्तों, यह पॉइंट यह है कि आप जिस तरह वीडियो अपलोड करते हो आपके चैनल पर, ये वीडियो क्वालिटी होना चाहिए आज की डेट में। और थर्ड जो पॉइंट है दोस्तों, आपके वीडियो पर वॉइस क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, तो अब दोस्तों आज की डेट में आप एक चैनल ग्रो कर पाएंगे और चैनल से आप थोड़ा बहुत अर्निंग भी कर पाएंगे। दोस्तों देखिए, आज की डेट में यूट्यूब पर काफ़ी कंपटीशन है। जैसे कि दोस्तों, मेरे चैनल के ऊपर मैं यूट्यूब रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूं, तो इसी तरह दोस्तों हजारों चैनल है यूट्यूब रिलेटेड वीडियो अपलोड करता है। और दोस्तों, आपके मन में एक डाउट होता है, आपके मन में एक सवाल होता है कि भाई, आप मेरी जैसी एक यूट्यूबर है और आपने मुझे ऐसा बात क्यों बता रहे हो, तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं इस बात के जवाब देना चाहता हूँ। जैसे कि दोस्तों, मेरा और एक चैनल है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, आप जाके चेक कर सकते हो कि सच में मेरा और एक चैनल है या नहीं। तो दोस्तों, मुझे पता है कि एक नया चैनल कैसे ग्रो करना है और एक चैनल ग्रो करने के लिए दोस्तों आपको क्या क्या काम करना होता है, चैनल की सेटिंग्स कैसे ऑन करना है, कैसे सेट करना है, कैसे चैनल की ऊपर वीडियो अपलोड करना है, कैसे थंबनेल बनाना है और चैनल की जो रूल्स है, रूल्स कैसे आपको मानना है, उसके बाद दोस्तों जाके आपके चैनल आप ग्रो कर पाएंगे। दोस्तों, मुझे तो ये नहीं लगता है कि आपको मैं कुछ सिखा पाऊँगा, फिर भी दोस्तों मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ खास करके आप लोगों के लिए। जैसे कि आजकल काफ़ी नया यूट्यूबर्स है यूट्यूब पर चैनल ओपन करता है और ओपन करने के बाद वीडियो अपलोड करना शुरू करता है, और शुरू करने के बाद दोस्तों 100 से 150 वीडियो अपलोड करता है और उसके बाद भी चैनल ग्रो नहीं कर पाता है और वीडियो पर व्यूज़ भी नहीं आता है। तो सबसे पहले तो दोस्तों, मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि जब व्यूज़ डाउन होता है तो यह आपको चेक करना है कि किस रीज़न से आपके वीडियो पर व्यूज़ नहीं आ रहा है। 4 से 5 व्यूज़ आता है और उसके बाद व्यूज़ डाउन हो जाता है, तो क्या रीज़न है, क्या वजह है, यह आपको ढूंढना काफ़ी ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों, आप आपके चैनल पर वीडियो बनाइए, वीडियो अपलोड कीजिए। तो रीज़न कैसे आप पता कर सकते हैं? दोस्तों देखिए, मैंने सबसे पहले कहा है कि आजकल न्यू यूट्यूबर्स काफ़ी चालाक है, इसलिए मैंने ये बात कहा है कि जो नया यूट्यूबर्स है काफ़ी जल्दबाजी करता है और इसलिए खुद के चैनल खुद ग्रो नहीं कर पाता है। सबसे पहले तो दोस्तों, मैं ये आपको यह कहता हूँ कि आप यूट्यूब पर काफ़ी वीडियो नहीं देखना है। दोस्तों, अगर आप काफ़ी वीडियो देखने लगते हो कि चैनल कैसे ग्रो करना है, चैनल से पैसा कैसे कमाना है, वीडियो कैसे बनाना है, थंबनेल कैसे बनाना है, टाइटल कैसे लिखना है, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है, टैग कैसे ढूंढना है, वायरल टैग कैसे पता करना है, ये सब के पीछे अगर आप पड़ जाते हो तो आपके चैनल जो है डाउन हो जाता है। क्योंकि दोस्तों पता है, दोस्तों जब आपको लगता है कि दूसरा किसी ने YouTube से इतना पैसा कमा रहा है
और आपके वीडियो पर व्यूज नहीं आ रहा है तो दोस्तों आप डीमोटिवेट हो जाते हो। इसलिए दोस्तों आपको करना क्या है कि सबसे पहले चैनल ओपन करने के बाद आपके चैनल पर जो भी सेटिंग्स है सेटिंग्स करना है और एक HD क्वालिटी थंबनेल आपको बनाना होगा और आपकी जो वीडियो है वीडियो क्वालिटी अच्छा होना चाहिए और वीडियो के अंदर जो वॉइस ओवर आप करते हो यानी कि जो वॉइस आप डालते हो ये काफ़ी क्लियर होना चाहिए। तो अब दोस्तों आज की डेट में आप एक नया चैनल ग्रो कर पाएंगे। दोस्तों देखिए आज की डेट में जो ऑडियंस है काफ़ी समझदार है। दोस्तों वीडियो पर क्लिक करने के बाद अगर आपकी बात जो है क्लियर नहीं आता है तो वीडियो दोस्तों वहीं पर छोड़ के चला जाता है। पता है आपको क्यों ऐसा करता है? क्योंकि आजकल YouTube पर काफ़ी कंपटीशन है और कंपटीशन में ऑडियंस को लगता है कि आपने जिस तरह बात कर रहा है ये बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बात कर रहा है, तो कौन सा ऐसा चैनल है तेज़ी से बात करता है उसी चैनल ऑडियंस ने ढूंढता है। और दोस्तों और एक बात है, जैसे कि दोस्तों आज मैं आपको कुछ लाइव प्रूफ नहीं दिखाता हूँ, दोस्तों एक बात आप जान लीजिए, नाम से काम नहीं होता है, काम से नाम होता है। जैसे कि आप बार बार ये सोचते हो कि एक नया चैनल ओपन करना है या एक यूट्यूब चैनल ओपन करना है तो दोस्तों आप बार बार ये सोच सकते हो, लेकिन दोस्तों जब तक आप काम शुरू नहीं करेंगे तब तक दोस्तों आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों नाम से काम नहीं होता है, काम से नाम होता है। जब आप काम शुरू करेंगे उसके बाद दोस्तों आपका जो नाम है ये वायरल होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपका करना क्या है कि वीडियो अपलोड करने के बाद काफ़ी लोग क्या करते हैं कि खुद की मोबाइल से खुद वीडियो देखना शुरू करता है और जो वीडियो अपलोड करता है अपलोड करने के बाद काफ़ी फ्रेंड के साथ वीडियो शेयर करता है। दोस्तों आप भी एक बार ज़रा मुझे सवाल कीजिए या आप खुद ही सवाल कर लीजिए कि दोस्तों देखिए अगर आपने एक वीडियो आपके चैनल पर अपलोड किया है और वीडियो अपलोड करने के बाद आपके फ्रेंड को इस वीडियो शेयर किया है तो आपको लगता है कि आपके जो फ्रेंड है फ्रेंड ने वीडियो को पूरा वॉच करता है? दोस्तों ऐसा फ्रेंड को आप शेयर करना है, शेयर करना गलत चीज नहीं है, लेकिन दोस्तों ऐसा फ्रेंड को वीडियो शेयर करना है जो फ्रेंड आपके वीडियो पूरा वॉच करेगा। क्योंकि दोस्तों देखिए वीडियो के ऊपर क्लिक करने के बाद अगर उस बंदा वीडियो छोड़ के चला जाता है तो आपके वीडियो की रीच जो है डाउन हो जाता है। यानी कि दोस्तों YouTube ने यह समझता है कि इस वीडियो में कुछ खास चीज नहीं है, इसलिए लोग क्लिक करके वीडियो को छोड़ के चला जा रहा है। आप जहां पर भी वीडियो शेयर करना है आप कर सकते हो, लेकिन ऐसा देखकर वीडियो शेयर करना है जो बंदा आपके वीडियो पूरा वॉच करता है। ये तो एक बात हो गया है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। जैसे कि दोस्तों देखिए काफी लोग ये समझते हैं कि वीडियो अपलोड करने के बाद खुद की डिवाइस से वीडियो नहीं देखना है और एक डिवाइस से वीडियो देखना शुरू करता है और जो डिवाइस से वीडियो देखता है उसी डिवाइस की जो इंटरनेट कनेक्ट होता है खुद की डिवाइस से कनेक्ट लेता है, यानी कि वाईफाई की थ्रू या किसी और की थ्रू कनेक्ट करता है और उसके बाद वीडियो देखना शुरू करता है। दोस्तों देखिए एक मोबाइल फ़ोन की एक ही IP एड्रेस होता है और उसी फ़ोन की जो IP एड्रेस होता है, अगर मान लीजिए आपके फ़ोन पर आपने वीडियो अपलोड किया है और आपके फ़ोन से आप 10 मोबाइल फ़ोन को वाईफाई कनेक्ट दिया है और 10 मोबाइल को एक साथ वीडियो चलाना शुरू किया है तो दोस्तों ये जो IP एड्रेस होता है एक ही IP एड्रेस होता है। दोस्तों ये गलत काम आप कभी भी नहीं करना है, खुद की वीडियो खुद ही नहीं देखना है। अगर देखना है तो दोस्तों आप देख सकते हो, लेकिन दोस्तों इसी तरह आप देख सकते हो उस मोबाइल पर उसी मोबाइल का इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए तब दोस्तों आप देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपकी मोबाइल फ़ोन से वाईफाई कनेक्ट करके आप वीडियो देखना चाहते हो तो ये आपके लिए गलत साबित होता है, यानी कि YouTube ने जो वॉच टाइम है बिल्कुल माइनस करता है और आपकी वीडियो की जो रीच है ये डाउन करता है और उसके बाद आपकी वीडियो की जो इम्प्रेशंस है इंक्रीज नहीं होता है यानी कि डाउन होता है। सो दोस्तों मैं ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करना चाहता हूँ, वीडियो आज के लिए यहीं पर ख़त्म करने वाला हूँ। दोस्तों मैं एक छोटा सा इंट्रो आप लोगों को आज मैंने शेयर किया है और बाकी अगर आप वीडियो देखना चाहते हो और मेरी बात आपको पसंद लगता है
तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर नहीं पसंद लगता है तो भाई आप लाइक भी मत कीजिए, मेरा कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। सो दोस्तों, आज के लिए वीडियो इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट किसी और एक अनदर वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।